सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइवर गिग इमेजेस के बारे में कि आप वो कैसे बना सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें। क्योंकि सबसे पहले अगर बायर आके कुछ देखता है तो वही देखता है कि गिग इमेज कैसी है, तो उस पर क्लिक कर देता है और फिर उसके बाद कि बाकी की प्रोसेस देखी जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपकी गिग रैंक हो रही है, जैसे मैंने पहले इसके पहले वाली वीडियो बनाई हुई वो देख लेना, आई बटन में है लिंक, तो अगर वो हो रही है तो उसके बाद भी ये चांसेस कम होते हैं कि वो आपके पास ही आएगा। क्योंकि अभी आप न्यू भी हो, अगर आपके पास अभी एक भी ऑर्डर नहीं है तो आप अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाओ, अपना गिग का इमेज ही ऐसे बनाओ कि वो मजबूर हो कि उसको देखना ही पड़े कि भाई ये इंसान ऐसा क्या ऑफर कर रहा है। ठीक है, वो वही चीज़ अभी हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने अपने लैपटॉप पर खोल के रखा हुआ है कि फाइवर की जो गिग इमेज की साइज होती है वो क्या होती है, तो 550x370 हाइट में पिक्सल्स में जो होता है उसके डायमेंशन दिए हुए हैं। तो हम कैनवा की मदद से बनाने वाले हैं, कुछ 3 सुपर टिप्स देंगे ताकि आप अपना गिग का जो इमेज है अच्छे से बना सको अलग अलग नीशेज में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर, ये दिखा चुके हैं हम। उसके बाद अभी हम कैनवा पे जाएंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन पे आप जाएंगे, उसके बाद कस्टम साइज पे जाएंगे। कस्टम साइज पे जाने के बाद यही है 550x370 पहले से मैंने डाल रखा था इसलिए इसमें आ गया, वरना आप यहाँ पे हाइट पे और यहाँ पे विड्थ में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तब आपको क्या करना है, पहली चीज़ अपने 6 पोर्टफोलियोज मतलब 6 काम जो है सैंपल के बना के रखिए लोगोज के। अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो इस पेज में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप 6 के 6 आराम से लगा दीजिए, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उसको दिख जाएगा, उसको लोगो बनवाना और उसको लोगो के लोगो ही दिख जाएंगे और इतने अट्रैक्टिव बना के लगाना है, मतलब अपना बेस्ट वर्क जो है वो आपको यहाँ पर शो करना है ताकि आपको ऑर्डर्स मिले। समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए की पॉइंट है ये, और बिल्कुल भी इस पर कहना चाहिए टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे रहेंगे। आप अपना मन का टॉपिक ले सकते हैं, मन की मर्जी के मालिक हो आप और जो भी बनाना है बनाओ, पर उसके बाद बढ़िया से इस पे लगाओ। अगर आप कार्ड डिजाइनर्स हो तो अपने बढ़िया से 3-4 सैंपल्स लगाओ और फिर इसमें इस पेज में सेट करो, एक ये जो पेज अभी हमने जो डायमेंशन जो है हमने चूज किए हैं उनमें। ठीक है, तो अपलोड्स पे जाके आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कैनवाइस से डाउनलोड करो और सी पे अपलोड करके बना दो। जैसे सपोज ये जो बर्थडे कार्ड है, मैंने अभी इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बताया था आई बटन दे देंगे लिंक, तो उसमें ये जो बनाया था, तो ऐसे अगर मैं सपोज करो ये एक है, ऐसे आप 4 लगा सकते हो, 6 लगा सकते हो, बल्कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे 6, तो अलग अलग। तो इससे बढ़िया क्या पोर्टफोलियो होगा यार, आपके 6 काम एक पेज पे दिख रहे हैं तो क्यों नहीं क्लिक करेगा। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अच्छा सा एक कैची टाइटल लिख दो। ठीक है, कैची टाइटल मतलब क्या, जैसे सपोज इंस्टाग्राम पोस्ट अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पोस्ट में आप लिख दो आई विल डिज़ाइन 100 इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, ऐसे कुछ लिख दो। ठीक है, उसके बाद 100 इंस्टाग्राम पोस्ट हो सकता है $50 के लिए बना के दो, $10 के लिए, $20 के लिए, बट उस टाइम पे जो मैटर कर रहा है, क्योंकि इमेज पे जाती है ना नज़र सबसे पहले, क्योंकि टाइटल से भी बड़ी इमेज दिख रही होती है। समझ रहे हो, आप चीज़ देखते हैं आप और क्या कर सकते हो यहाँ पर वो बता देते हैं। सपोज करो नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये कुछ पेजेस हैं, ये नहीं, कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट्स आ गई। ठीक है, ये मैंने पहले से अपलोड करके रखी हुई है, अगर आप नहीं की हुई हैं तो इसी पे बनाओ, कैनवा पे ही बनाओ। इसका ट्यूटोरियल चाहिए क्या, तो अगर चाहिए है तो बता दो। एक एक फंक्शन जो है इसका, स्पेसिंग कैसे होती है, पीछे ग्लो वाला वो जो होता है वो कैसे लाते हैं, जो एकदम प्रो लेवल की चीज़ें हैं जो एकदम सॉफ्टवेयर में की जा सकती हैं वो भी कैसे में की जा सकती हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो बताना, कॉमेंट करना, अच्छे अच्छे हैक्स जो कैनवा के हैं वो बताए जाएंगे आपको, तो आपको कभी ना कभी तो हेल्प करेंगे वो। ठीक है, सपोज करो जैसे ये है, यहाँ पे मैं अभी एक बना के दे रही हूँ, इसकी जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो। समझ रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो ऐसे आप 6 जो इमेजेस हैं, आप जैसे ये सारे सेम कलर में एकदम कलरफुल चूज़ करो, लेकिन मेरा मतलब कहना चाहिए ओपिनियन यही है, एकदम कलरफुल चूज़ करो ताकि वो बहुत वाइब्रेंट लगे और सामने वाला एकदम देख के मतलब खुश हो जाए कि यार क्या कमाल की चीज़ बनाई हुई है इसमें, देखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसे, और सेम अभी यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने इन्हें कॉपी करके यहाँ लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से बना दो बढ़िया सा, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर पे कोई भी टाइटल लिख दो, वरना मुझे नहीं लगता टाइटल की भी ज़रूरत है। यहाँ पे ये सब अलग अलग लगाना है, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में बस ऐसे लगा दिया है, अलग अलग आप ले सकते हो जैसे ही और भी ऑप्शंस। उसके बाद अगर आप मान लो कि आप जो है ये सब नहीं हो, ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह नहीं हो, आप ब्लॉग राइटिंग करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप एलिमेंट्स पे जाओ यहाँ पर और आप सर्च कर दो लैपटॉप
या कुछ भी ऐसे नोट्स या कुछ भी ऐसा कुछ सर्च करो, अच्छी सी एक फ्री फोटो लेना, मतलब प्रो वाली मत लेने ना अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो। तो उसके बाद जैसे ये वाला है लैपटॉप है, इसका अच्छे से साइजिंग कर दो पूरे से, और उसके बाद यहाँ पे साइड में जो स्पेस दिया हुआ है ना यहाँ पर, इसमें आप लिख दो, समझिए। अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट अच्छा सा ऐड कर सकते हो, जो भी एकदम कैची सके, आई विल डू ब्लॉग राइटिंग फॉर दिस एंड दैट, और जो भी आपका है इन 24 आवर्स, इन 12 आवर्स, इन 2 आवर्स, इन 1 आवर्स, जो भी है बढ़िया सा लिख दो। तो ये आपके लिए भी बन गया, क्योंकि आप पहला जो एक इमेज डालोगे उसमें अपना पूरा ब्लॉग लिख के तो नहीं डाल सकते हो ना, ठीक है। ऐसी सेम वर्चुअल आर्टिस्ट, मतलब असिस्टेंट हो, आर्टिस्ट बोल रही हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट हो अगर, तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, और इसी तरीके से बनाते रहो, और अच्छी अच्छी इमेजेस बना के डालना ताकि सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, आपका इंप्रेशन एक अच्छा पड़े। और अगर आपको कैनवा पे ट्यूटोरियल चाहिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कॉमेंट ज़रूर करना, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, सबको पता है, कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना, तो बताया जाएगा आपको उसका आंसर, उसी वक्त बता दिया जाएगा। और अगर कोई और डाउट हो, पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम लास्ट वीडियो में बता दिया है, इस वीडियो में भी डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना हो तो करना, नहीं करना तो यहाँ पे पूछो, यहाँ पे भी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, नहीं तो जीमेल पे भी पूछ सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे पूछ सकते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय।